नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की बेल को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन्हें समर्पण करने को कहा गया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी अपनी पैठ मजबूत बनाने के लिए चौटाला के चेहरे का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कोर्ट के चौटाला को जेल में वापस जाने के निर्देश के बाद आईएनएलडी की राह कांटों भरी होती दिख रही है। वहीं महत्वपूर्ण यह है कि चौटाला बेल पर रिहा थे, लेकिन आईएनएलडी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के शब्दबाग जनता को दिखा रही थी। दरअसल सवाल यह है कि आखिर आईएनएलडी जो अभी से जनता को चश्मा पहना रही है, वो कैसे आगे हरियाणा को नंबर वन बनाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए शनिवार तक सरेंडर करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी से पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने चौटाला को आदेश देते हुए कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो फैसला लिया जाए उसके बारे में 20 अक्टूबर तक 30,000 कोर्ट को सूचित करें। अब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला को शनिवार तक सरेंडर करना होगा। उनको तो तिहार जेल में ही सरेंडर करना पड़ेगा, जहां पर वो कस्टडी में थे, और वहां पर वो एक्सेप्ट करेंगे उनका सरेंडर। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला 3 जून 2014 को अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे। खराब सेहत का हवाला देते हुए चौटाला ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़वाया। मामले ने तूल जब पकड़ा जब 25 सितंबर को चौटाला जिंद में एक चुनावी रैली में भाषण देते हुए देखे गए। सीबीआई ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट से चौटाला की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की। इस पर अदालत ने चौटाला को निर्देश दिया कि वो 17 अक्टूबर को जेल में समर्पण कर दे। उसके बाद चौटाला वहीं नहीं रुके, उन्होंने कई चुनावी रैलियां की। सीबीआई ने चौटाला पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में चौटाला को पेश होने का आदेश दिया। आपको मेडिकल बेल मिलती है कि आप सीरियस हैं, तो ये प्री सपोज ये सोचा जाता है, समझा जाता है कि आप इस उस कंडीशन में नहीं है कि आप कुछ और कर सकते हैं, और कोर्ट का ये ग्रेस था। कोर्ट ने एक अपने तरफ से एक अच्छा जेस्चर था कोर्ट का, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, दो, बट उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए था। मामले में सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने चौटाला को शनिवार तक जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। आईएनएलडी प्रमुख चौटाला को अब जेल जाना होगा, वो प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साथ ही अदालत ने पुलिस से कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो चौटाला को एम्स ले जाया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने चौटाला का इलाज करने वाले एक प्राइवेट अस्पताल को भी नोटिस भेजा है कि खराब तबीयत के बाद रैलियों की इजाजत कैसे दी गई। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव क्या प्रभावित होंगे चौटाला के जेल जाने से, यानी आईएनएलडी जिसे एक मजबूत दावेदार इस बार हरियाणा के चुनाव में माना जा रहा है। बीजेपी हालांकि दावा कर रही है एक तरफ, लेकिन इनेलो को भी कहीं ना कहीं मैदान में इस वक्त माना जा रहा है। कांग्रेस का क्या अस्तित्व होगा अगर चौटाला जेल जाते हैं, यानी क्या कुछ नंबर यहां पर कांग्रेस के भी बढ़ सकते हैं, सवाल यह भी है। हालांकि हुड्डा पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो राजनीतिक बिसात है उसे बचाया जा सके, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि इनेलो को क्या ये भारी पड़ने वाला है चौटाला का जेल जाना। आइए, दरअसल ये पूरा मामला क्या है आपको ब्रेटो ग्राफिक्स के जरिए वो समझा देते हैं कि आखिर पूरा ये पूरा मामला क्या था, आखिर क्यों यहां जो 10 साल की सजा है चौटाला को दी गई है। ये पूरा मामला शिक्षक भर्ती घोटाला मामला था जिसमें 10 साल की सजा एनएलओ प्रमुख को दी गई है। जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की गई थी जिसमें रिश्वत लेने का आरोप लगा था चौटाला पर। दरअसल ये 3,206 जेबीडी शिक्षकों की भर्ती की गई थी जिसमें आरोप लगा था चौटाला पर और उनके बेटे अजय चौटाला पर कि उन्होंने इस पूरे भर्ती में रिश्वत ली है। उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, और उनके बेटे, और उस वक्त ये बात सामने आई थी कि नियमों को ताक पर रख दिया गया पूरी भर्ती के दौरान, यानी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उन्हें नकार दिया गया, और जिन लोगों ने या जिन कैंडिडेट्स ने पैसे दिए या रिश्वत दी उन्हें भर्ती किया गया। नियमों की कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। कैंडिडेट से 3 से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। इंटरव्यू के दौरान यह घपला किया गया था, यानी लिखित परीक्षा के बाद जब इंटरव्यू की बारी आई उस वक्त यह पूरा मामला जो है
आगे बढ़ाया गया था, जिसमें 3 से 5 लाख रुपए लेने की बात की गई थी। रिश्वत देने वाले कैंडिडेट्स को 17 से 20 नंबर दिए गए, यानी जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू के दौरान रिश्वत दी उन्हें 15 से 20 नंबर मिले। रिश्वत देने वाले कैंडिडेट्स को 17 से 20 नंबर यहां पर दिए गए, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो रिश्वत नहीं दी जिन्होंने, उन्हें 3 से 5 नंबर यहां पर मिले। तो जाहिर है समझा जा सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया और जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं थे उन्हें आगे बढ़ाया गया रिश्वत के दम पर। 2003 में यह पूरा मामला जो है अदालत पहुंचा, अदालत ने इस मामले को संज्ञान में लिया और सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने इस पूरे मामले की छानबीन की और जांच में कहीं ना कहीं सीबीआई को लगा कि इस पूरे मामले में चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला का जो हाथ है वो हो सकता है। चौटाला पर लिस्ट बदलने का आरोप लगाया सीबीआई ने और उसके बाद इस पूरे मामले को परत दर परत खोला गया। रोहिणी कोर्ट ने चौटाला को दोषी ठहराया और उसके बाद उन्हें 10 साल की सजा दी गई कोर्ट की तरफ से। चौटाला के बेटे अजय चौटाला भी इसमें दोषी पाए गए जो फिलहाल जेल के अंदर है, लेकिन चौटाला को उनके भाई एक अंतिम संस्कार में जाने के लिए और उनकी तबीयत के हवाला देकर कोर्ट से राहत मिली और उसके बाद से चौटाला बाहर थे। पिता पुत्र सहित 55 लोग इसमें दोषी ठहराए गए थे। ये जो पूरा मामला है इसमें जहां पर चौटाला दोषी थे उसी के साथ साथ उनके बेटे दोषी थे और 55 लोगों पर और आरोप लगाया गया था। अदालत ने पिता पुत्र को 10 साल की सजा यहां पर दी है। इस पूरे मामला जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था उसके बाद चौटाला की जो एक राजनीति है उसे कहीं ना कहीं हाशिए पर जाता हुआ देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से कोर्ट ने कुछ राहत दी थी उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी बीमारी को देखते हुए चौटाला की, अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अदालत का मजाक बनाया गया, कानून का मजाक बनाया गया और जिस तरीके से चौटाला को राहत कोर्ट की तरफ से दी गई थी, एक राहत कहा जाएगा और चौटाला की उम्र का जिस तरीके से लिहाज किया गया, उनकी बीमारी को कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान में लिया, क्या उन तमाम चीजों का यहां पर मजाक बनाया गया, सवाल यह है। और अब जब इतना महत्वपूर्ण समय है यानी हरियाणा विधानसभा का और इसमें चौटाला वापस जेल जाते हैं, उनकी बेल रद्द कर दी जाती है, तो क्या इसका खामियाजा इनेलो को विधानसभा चुनाव में भरना पड़ेगा या फिर एक और राजनीति जो भारतीय राजनीति में कही जाती है सिंपथी, क्या वो मिलेगी? ये जो तस्वीर है क्या उलट सकती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मेरे साथ सुखबीर सिंह हुड्डा राजनीतिक विशेषक मेरे साथ हैं, गजेंद्र यादव कांग्रेस की तरफ से इस वक्त मेरे साथ हैं स्टूडियो में, दीपिका शर्मा बीजेपी नेता मुझे कुछ देर में ज्वाइन करेंगी और विजय आईएनएलडी के नेता जो हैं वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले हुड्डा साहब, मैं आपसे इस पूरी परिस्थिति के बीच पर या ये जो पूरी परिस्थितियां अब इनेलो के हिसाब से देखी जाए ये किस ओर जा रही है? दरअसल हरियाणा की जो राजनीति है कुछ ही वक्त में बदलती हुई नजर जरूर आई है, बीजेपी हजका का गठबंधन टूटना हो या अब हुड्डा के को लेकर जिस तरीके से अंदर खाने की जो खबरें सामने आने लगी कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं चाहते हैं या बड़े बड़े जो साथी हैं वो अलग हुए, चाहे उसमें बीरेंद्र का नाम ले लिया जाए, और अब चौटाला का जेल जाना, अब ये तमाम चीजें किस ओर इशारा कर रही? देखिए सुमित जी, जहां तक एक ये अब जो आज कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है कि चौटाला साहब को जिसको इमीडिएटली उनकी बेल कैंसिल की और उनको बोला कि कल तक आपको जेल के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। देखिए एक ये एक सर्वाने एक ऑलमोस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट भी कर रहे थे, चौटाला साहब भी एंटिसिपेट कर रहे थे और आम जो कानून के जानकार थे वो भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई ये ऐसा होने वाला है, वही हुआ है। लेकिन जो चौटाला साहब ने जो अपना एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से मैं जो देखता हूं, चौटाला साहब ने जो जिस काम के लिए वो फील्ड में गए थे वो काम करके आ गए हैं और उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि देखिए देखिए अब कम से कम हरियाणा के अंदर जहां तक मोटिवेशन की बात आती है, अपने कार्यकर्ताओं को और इलेक्शन को उठाने की बात आती है, उसके लिए ओम प्रकाश चौटाला जी सभी लीडर्स के ऊपर भारी पड़ते हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो हजका है, जो मेजर पार्टी है, जो उनका मोटिवेशन लेवल, जो उनका संगठन है उसके ऊपर भारी पड़ते हैं और उन्होंने अपने संगठन को, तो यानी मैं ये कहूं कि ये 3 दिन जो बचे हैं इस वक्त चुनाव प्रचार के ये कोई भारी नहीं पड़ने वाले। हाँ, मैं उसी को कंक्लूड कर रहा था कि अब जाते जाते भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि अरे भाई
कोई बात नहीं, मैं मेरे लिए जेल क्या, मैं तो तुम्हारे लिए फांसी पे भी जा सकता हूं। और जब वो कल सरेंडर करने आएंगे, लोग यहां तक खबरें आ रही हैं कि हजारों में लोग उनकी सड़क के आगे या कुछ महिलाएं उनके उनकी गाड़ी के आगे लेट जाएंगी, और कुछ न्यूज साथ में ये भी आ रही, इतना इमोशन का एक ड्रामा होने वाला है कल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो क्या होता है। और दूसरा ये भी हो रहा है कि भी हो सकता है कि चौटाला साहब कल जाने से पहले भी 3 जनसभाएं करके जाएं, जो एक रोहतक में, रोहतक सिटी के अंदर रखी है कल 11 बजे, हो सकता है वो भी करके जाएं। तो इट मींस जाते जाते भी वो माहौल को बदल, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, वो जो एक इमोशनल क्राइटेरिया सेट करके जा रहे हैं, आजादी के आंदोलन में नहीं जा रहे वो जेल, नहीं नहीं ठीक है, भर्ती कर रहे थे पैसे लेके, नहीं 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 वो ठीक है। देखिए गजेंद्र, बात आजादी और उसकी नहीं हो रही है, बात एक लोगों के माहौल की, इमोशंस की बात कर रहा हूं, इस तरीके से बता रहे हैं जैसे कितनी पब्लिक को अकेले, चाहे वो 200 लोग आए चाहे 500 लोग आए, पार्टी ने इस तरह का माहौल तैयार कर दिया है कि वो सिंपैथी के लिए, चाहे उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी भी लेट गया, उनके लिए सिंपैथी है। आप योगेंद्र जी, मेरी इंटेंशन आप उस तरीके से ना ले, मेरी को ये समझिए कि गेन करने के लिए पार्टी कुछ भी कर सकती है। नहीं, आप पूरा जवाब दें। दरअसल जिस तरीके से अब ये पूरी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आई हैं, 15 तारीख दूर नहीं है, सिर्फ 3 दिन ही आप लोग आगे रहेंगे, चाहे आपकी बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, तमाम विरोधी जो INLD के खिलाफ इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की अगर मैं बात कर रहा हूं, अब इन पूरी परिस्थितियों में भले ही वो जाहिर है वो शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल जा रहे हैं, किसी स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है जिसके लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और वो जेल जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में एक जो सिंपैथी बनाने की कोशिश की जाएगी, बयान भी दे दिया हुड्डा साहब ने, बताया कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, आपके लिए तो जान भी दे दूं, ये तो होता ही आजकल के इमोशनल जो पॉलिटिक्स की जाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो परिस्थितियां अब बन रही हैं उन परिस्थितियों के बीच में एक तरफ बीजेपी और एक तरफ इनेलो कांग्रेस के लिए खतरा होगी? देखिए सुमित जी, चौटाला साहब की आपने बात करी, चौटाला साहब जो चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने जो 3208 जो टीचर्स भर्ती करे थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंक्वायरी कमीशन बैठा था और जितने भी एजेंसीज थी उन्होंने इस बात को साबित कराया कि तमाम भर्तियों में पैसे लेके भर्ती की गई, किसी डिजर्व कैंडिडेट को नहीं मिली और कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कराया। चौटाला जी जेल जा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि लोग उनके लिए इमोशनल है या कुछ है, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का किसान, हरियाणा की महिलाएं और हरियाणा का प्रत्येक नागरिक इस बात को लेकर सजग है, समझदार है कि चौटाला जी जिस कॉज के लिए जेल जा रहे हैं उस कॉज के लिए उनको जेल जाना पड़ेगा। और उन्होंने जो मेडिकल ग्राउंड पे बेल ली थी और उसका जो मिसयूज उन्होंने करा, जो चुनाव प्रचार में वो लोग घूमे, वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया और कोर्ट ने इस बात का आदेश करा कि आपको मेडिकल ग्राउंड पे मिली थी और कोर्ट ने उसको कैंसिल करके कोर्ट का यह आदेश हुआ है कि कल जाके आप तिहाड़ जेल में जाइए। और तीसरी बात, इस बारे में अभी तक किसी मीडिया ने चर्चा नहीं करी, चौटाला साहब जिस सरकार में चीफ मिनिस्टर थे और जिस सरकार में घोटाला हुआ उस सरकार में हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी, पैसा सिर्फ चौटाला जी ने नहीं खाया, पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी खाया था, उस सरकार में जो मंत्री थे उन्होंने भी खाया था, लेकिन उस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और हम तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि जो भी हरियाणा में गुंडा राज हुआ, जिसको आज मोदी जी गुंडा राज कह रहे हैं, जिसको मोदी जी घोटालों का राज कह रहे हैं, उस गुंडा राज और उस घोटाले राज में, और जो बाहुबली की बात मोदी जी कर रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी बराबर की भागीदार थी। ठीक, दीपिका शर्मा सरकार में वो लोग भागीदार थे। ठीक, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर दीपिका जी को इंट्रोड्यूस मैं यहाँ पर कराना चाह रहा हूँ। दीपिका शर्मा बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गई है और मैं हुड्डा साहब आपके पास आऊँ या जवाब दें, लाइन ऐड करना चाहते हैं बस आपके लिए कि पूरा अगर आप जजमेंट, जैसे हमारे साथी साहब कह रहे हैं ना कि उसके अंदर ब्राइब लेना प्रूव हुआ है, उसका जजमेंट मैंने भी स्टडी किया, हर लीगल आदमी ने किया है, उसके अंदर रिश्वत नहीं प्रूव हुई है कि चौटाला साहब की फैमिली को या किसी ने रिश्वत ली है, उसके अंदर सिर्फ जो कन्विक्ट हुए हैं वो उस बेस पे हुए कि जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनको नहीं सिलेक्ट किया गया, किसी और को ज्वाइन करवाया, इसके ऊपर सजा हुई है, ना कि रिश्वत, रिश्वत नहीं प्रूव हुई है, ये जजमेंट के अंदर है। मैं हुड्डा साहब इसमें आपको करेक्ट कर दूं, जिन लोगों पे तलवार अटकी हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब चौटाला जी कन्विक्ट हुए, उन लोगों ने इसको कहा, इस बात को कहा, मीडिया के सामने कहा कि हम तो पैसे देके भर्ती हुए थे, हमारा क्या होगा। यादव जी, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उसने इस चीज को बोला है कि जो भर्तियां हुई थी
जो उसमें अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें भाई भतीजावाद और पैसे का बोलबाला था, और सिर्फ चौटाला जी नहीं है, नैतिकता के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टिसिपेट थी, भारतीय जनता पार्टी भागीदार थी। नहीं ठीक है, यहाँ पर बीजेपी सिंपैथी वेव नहीं है। गजेंद्र जवाब ले, जवाब ले, कोई सिंपैथी वेव नहीं है। हरियाणा की जनता, हरियाणा का मतदाता सजग है, जागरूक है, और हरियाणा की जनता जी जवाब ले लेते हैं। दीपिका शर्मा जी हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ। दीपिका जी, हिस्सेदारी तो आप लोगों की भी यही कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो देखिए, ये तो कोर्ट ने जांच करी है, और अगर चौटाला साहब को और उनके बेटे को कन्विक्ट पाया है कोर्ट ने, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं था, ये कोर्ट ने पूर्ण रूप से इसकी जांच करी है, और उसके बाद कम से कम कांग्रेस तो इस मॉरल ग्राउंड पे, नैतिक ग्राउंड पे है ही नहीं ये बात कहने के लिए, क्योंकि 10 साल की जो हुड्डा जी की सरकार थी उन्होंने जो वहां पे एक किस्म से दामाद सरकार चलाई कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के प्रति, तो कांग्रेस तो इस नैतिक आधार पे जिस प्रकार से करप्शन हुई है हुड्डा जी के राज में, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को भोगनी पड़ेगी। चौटाला साहब ये तो कानून अपना कोर्स ले रहे हैं, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, ये तो कोर्ट्स ने उनको कन्विक्ट किया है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है। पर मैं आपको केवल ये बात बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस आज इस नैतिक आधार पे नहीं है, ना राष्ट्रीय लेवल पे है, ना हरियाणा के लेवल पे है, ना महाराष्ट्र के लेवल पे है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने जितने स्कैम्स किए हैं, एनसीपी इनकी पार्टनर थी, अब ये महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि ये तो जी एनसीपी ने सारे स्कैम किए हैं, हमने तो किए नहीं है। नहीं, जब दूसरी बारी आती है तो ये कहते हैं कि जो उनके कोलिशन पार्टनर जब केंद्र में थे और टेलीकॉम स्कैम हुआ था तो जी डीएमके ने किया, वो कोलिशन कंपल्शन था, हमने कुछ नहीं किया, ये तो हमारे कोलिशन पार्टनर्स ने किया। तो यहाँ पे कांग्रेस कहीं पे भी नैतिक आधार पे नहीं है। जहाँ तक आपका प्रश्न क्या है, नहीं मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से गजेंद्र जी कह रहे हैं कि आपका भी पार्टनरशिप तो रही है, अब अगर भले ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भागीदार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पैसे लेके अपॉइंटमेंट करवाई है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने पैसे लिए। होता है न्यायपालिका ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से इस केस की छानबीन करी है और अपना वर्डिक्ट सुनाया है। इस वर्डिक्ट में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस स्कैम में शामिल नहीं है, ये स्कैम सारा के सारा चौटाला साहब और उनके बेटे ने इंडिविजुअली मिलकर किया था, एजुकेशन का डिपार्टमेंट उनके पास था, तो उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट रामविलास शर्मा के पास होता तो वो भी जेल जाता। देखिए टेलीविजन एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर रामविलास शर्मा के पास होता तो वो भी जेल जाता। पैसे का लेन देन हुआ वो नहीं हुआ, वो जजमेंट में नहीं आया। मैं इस चीज को करेक्ट करना चाह रहा हूँ, प्लीज आप इस चीज को वो करिए कि जो कोर्ट का जजमेंट आया है वो सभी के लिए वो है, वो उसके अंदर ट्रांजैक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ ए ब्राइब नहीं आया है। गजेंद्र जी, सवाल ये है कि अगर हुड्डा सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं या आईएनएलडी के बारे में बीजेपी बोल रही है, जाहिर है आईएनएलडी का जवाब आईएनएलडी दे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठाए गए, आप 60 साल की बात जरूर कर रहे हैं, 100 दिन की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों के मंचों से तो ये बात नहीं कही गई। आईएनएलडी को अगर आप निशाना बनाते हैं तो इस चीज को लेकर बीजेपी के लिए क्यों नहीं बोला गया अब तक? देखिए सुमित जी, हरियाणा में हमारी पिछले नहीं, शायद पता है ना कि कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी है। मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा में पिछले 10 साल से हमारी सरकार है, जो मेरी बहन दीपिका जी ने भी बात करी कि जी दामाद जी का ये घोटाला, मोदी जी 2 दिन पहले बोल के आए, इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी ने जो स्टेटमेंट बोली थी उसको नन एंड वॉइड कर दिया, उन्होंने बोला कि भी ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कंडक्ट करी। आप सुनिए ना, आप सुनिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ आरोप लगाना, इन ये आरोप लगाते आए हैं, आज से नहीं लगा रहे, इनका इतिहास रहा है, क्योंकि सच्चाई से कोसों दूर है, हरियाणा की जनता सच्चाई जानती है। पिछले 10 साल से हमने हरियाणा में विकास करा, हरियाणा में सुशासन दिया, आज हरियाणा नंबर 1 है, अगर उस तक किसी को क्रेडिट जाता है तो कांग्रेस की सरकार को जाता है, हमारे मुख्यमंत्री को जाता है। इन लोगों का तो जब भी राज आया है तब किसान मरा है, मजदूर मरा है, नौजवान मरा है, इनका काम तो सिर्फ लूट और खसोट का है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनएलडी का इतिहास रहा है, और हरियाणा की जनता ने पिछले 10 साल में देखा है, कांग्रेस का सुशासन देखा है, कांग्रेस की डेवलपमेंट देखी है, और तीसरी बार हरियाणा की जनता कांग्रेस के सुशासन पे, कांग्रेस की डेवलपमेंट पे और हुड्डा जी की लीडरशिप पे अपनी मोहर लगाने जा रही है।
हम भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, दरअसल अब तक मैं सिर्फ सर्वे के ऊपर भी कुछ बात करना चाहता हूं यहां पर कि जो परिस्थितियां सर्वे या लोकसभा चुनाव के वक्त जो सामने आए थे उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाया गया था, वही परिस्थितियां अब भी मर रही हैं। आईएनएलडी के बारे में बात हो रही है, बीजेपी के बारे में बात हो रही है, फिर कांग्रेस के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? सुमित जी, मैं आपकी सर्वे वाली बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी चैनल पे था, न्यूज चैनल पे, वहां पे भी सर्वे के ऊपर चर्चा चल रही थी। जितने भी आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो, चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल लिए जाते हैं, ओपिनियन पोल कुछ सैंपल्स पे लिए जाते हैं। हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग, मतलब 2 करोड़ ठीक है, जो सैंपल लिए गए हैं वो 8 से 10 हजार लोगों के लिए गए हैं, और जो सैंपल लिए गए और जो ओपिनियन पोल हैं, ये जो सर्वे करा रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह प्रायोजित है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पिछले चुनाव में उनको ओपिनियन पोल का फायदा मिला, लेकिन उससे पहले जितने भी ओपिनियन पोल आए चुनावों से पहले, सुमित जी आप भी इस बात को एग्री करेंगे, वो सारे झूठे साबित हुए, सारे फेक साबित हुए, क्योंकि ओपिनियन पोल सभी मतदाताओं पे नहीं लिया जाता, ओपिनियन पोल कुछ एक सैंपल्स पे लिया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कौन इंडिविजुअल जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसके किस पॉलिटिकल पार्टी से मैनेज्ड है, कौन पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रायोजित करा रही है, ये तमाम चीजें जो है ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि कौन लोगों से उन्होंने बात करी, क्या क्वेश्चन थे, क्या नहीं था। मैं इन सर्वों को, इन ओपिनियन पोल को सिरे से खारिज करता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये ओपिनियन पोल पूरी तरह झूठे साबित होंगे, क्योंकि तीसरी बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है, हमने काम करा है, फील्ड में घूम रहे, लोगों का जन समर्थन, लोगों का अपार प्यार कांग्रेस को मिल रहा है, तीसरी बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। आपके पक्ष में होते ये तो भी नकार देते, आपके पक्ष में सर्वे होते नकार देते। मैं ये अपने पक्ष की बात नहीं कर रहा, हमारे पक्ष में होते फिर ये लोग क्वेश्चन मार्क करते, फिर ये लोग क्वेश्चन मार्क करते। आज मेरा एक डेमोक्रेटिकल राइट है कि अगर वो सर्वे गलत है तो मैं उसको झुटला सकता हूँ। आप झुटला सकते हैं और जो कहना चाहे वो कह भी सकते हैं, यहाँ छूट है बिल्कुल। नहीं, मैं हुड्डा साहब ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इनेलो को, क्योंकि बीजेपी और इनेलो में सर्वे के ऊपर ही बात, क्वेश्चन है मेरा, ये हाइपोथेटिकल है या आप जो भी कह सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इनेलो और बीजेपी जिस तरीके से सर्वे में लगभग बराबर नजर आ रही है, 19-20 का फर्क इस वक्त नजर आ रहा है, इन परिस्थितियों में अगर चौटाला जेल जा रहे हैं, इससे कांग्रेस के नंबर बढ़ते हैं क्या? नहीं, इसमें कांग्रेस के नंबर नहीं बढ़ेंगे, बीजेपी के बढ़ते हैं क्या? हाँ, बीजेपी को, यस बिल्कुल बीजेपी। अगर देखिए पूरे, अगर इलेक्शन में आप, अगर पूरे हरियाणा का इलेक्शन को अगर आप देखते हो, कांग्रेस को तो आप एक मिनट साइड रख दीजिए, जो मुकाबला है वो आईएनएलडी और बीजेपी के अंदर है। अभी तक बीजेपी का एक अपर हैंड माना जा रहा था, जब से चौटाला साहब फील्ड में, उन्होंने बीजेपी के करीबन करीबन अपनी पार्टी को मोटिवेट करके, अच्छा उनके अंदर भाषण और कुछ वो इमोशंस के ऊपर लाके उनको ना बीजेपी के नजदीक लेके आए, लेकिन जैसे जैसे मोदी साहब जाते हैं नेक्स्ट डे सारी की सारी हवा, देखिए जो प्रैक्टिकल है वो चेंज हो जाती है। लेकिन अब जो आईएनएलडी ने जो अब मुद्दा जो कराया है, चौटाला साहब जो कह के गए हैं कि भाई मैं तो आप लोगों के लिए जेल जा रहा हूं, और जो जो भी उन्होंने प्रचार किया जेल जाने के लिए, उसका एक सिंपैथेटिकल लोग, क्योंकि हरियाणा के बड़े भोले भाले लोग हैं और वो एक कास्ट डोमिनेटेड है, 36% जाट से, बन सकता है उसका एक एडवांटेज ये लग रहा है उसका। लेकिन अब देखते हैं कि मोदी साहब का एक लास्ट राउंड ऑफ भाषण रह गया, वहां पर एक रैलीज का एक लास्ट राउंड रह गया, उस पर देखते हैं क्या बनता है, और कल उसके बाद चौटाला साहब क्या रैली कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बड़ा साबित होगा। जी, इसमें हुड्डा साहब की बात में एक बार एडअप कर देता हूं कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हरियाणा में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा, हरियाणा में मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट होनेस्ट है, हमारे चीफ मिनिस्टर होनेस्ट है, हमारे चीफ मिनिस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने डेवलपमेंट करी है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो फेस तक नहीं है, जिस भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जिता रहे हैं, सर्वे भी जिता रहे हैं, हुड्डा साहब ने भी उसकी प्रशंसा कर दी, और जो दूसरी विपक्षी पार्टी है उसका जो नेता है वो कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, वो जेल चला गया, तो ये प्लस हरियाणा की जनता, मैं जवाब लूंगा यहाँ पर दीपिका जी से, हरियाणा की जनता ना तो आईएनएलडी की तरफ से मेरे साथ यहाँ पर विजय पकवान, ठीक है एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जवाब लेंगे यहाँ दीपिका जी से भी, और आईएनएलडी के जो नेता है वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। क्या राजनीति बदलने वाली है हरियाणा की? इनेलो के प्रमुख
ओम प्रकाश चौटाला जेल जा चुके हैं, जेल कल वो समर्पण कर देंगे। और अब सवाल यह है कि इसका फायदा किसे होने वाला है और नुकसान क्या एनएलओ उठाएगी, एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय राजनीति के इतिहास में ओम प्रकाश चौटाला ऐसे गिने चुने नेताओं में शुमार हैं जिन्हें किसी आरोप में दोषी करार दिया गया हो और सजा सुनाई गई हो। इससे पहले अमूमन यही होता रहा कि भारतीय नेताओं पर आरोप तो काफी लगे लेकिन वो जेल भी चले जाते हैं, लेकिन उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाते थे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हुई। जो मामला कोर्ट के विचाराधीन है उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हरियाणा की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के कर्ता धर्ता ओम प्रकाश चौटाला को उनके पिता देवीलाल ने तब घर से निकाल दिया था जब वे घड़ियों की स्मगलिंग करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। लेकिन उसी बेटे को बाद में उसी पिता ने 2 दिसंबर 1989 में हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया था जब उन्हें खुद केंद्र में उप प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इस घटना ने भारतीय राजनीति के उस चेहरे को फिर से बेनकाब कर दिया जहाँ परिवारवाद के आगे सारे गुनाह छोटे दिखाई देने लगते हैं। हरियाणा की राजनीति परिवारशाही की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है। जो भी सरकार में बैठा उसके परिवार ने पूरे हरियाणा पर कब्जा कर लिया। जिसकी भी सरकार बनी 25 साल का हिसाब देख लीजिए, मैं किसी का नाम देना नहीं चाहता हूं। परिवार वाले तो बड़े हो गए लेकिन मेरा हरियाणा पीछे रह गया। लेकिन जब परिवारवाद पर सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल जनता पर भी उठते हैं। आखिर ऐसे लोगों को चुनाव तो जनता ही जितवाती है। दर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। आईएनडी नेता विजय पचगांव भी मेरे साथ हरियाणा से इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विजय जी, आप ही के पास आना चाहता हूं मैं, और सवाल भी मेरा यही है कि क्या आप लोग चश्मा पहना रहे हैं जनता को? हाँ जी, ये तो आने वाला 15 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों तो मौजूदा सरकार कांग्रेस ने किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत और सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारे मुखिया को जेल भेजने का काम किया, उसके बाद अब जब हमारे मुखिया ये पैरोल के ऊपर थे उसके दौरान अब इन्होंने दोबारा से सीबीआई को, ये जो सेंटर की गवर्नमेंट है, सीबीआई से मिलकर के इनको दोबारा जेल में भेजने का काम किया है। नहीं, सीबीआई क्या गलत कर रही है? अगर ओम प्रकाश चौटाला बेल मांगते हैं इस बात को लेकर कि उनकी तबीयत खराब है और वो बड़ी बड़ी रैलियों में दिखते हैं, उन हाई प्रोफाइल रैलियों के बीच में चौटाला की तबीयत नहीं खराब होती है, तो जाहिर है आज तो जज ने भी खुद ये कहा है कि उन्हें दुख हुआ इस बात को लेकर। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, तबीयत के लिए लिया तो ये जरूरी थोड़ी है। तबीयत वो 17 तारीख तक ही बीमार रहे, बीच में उनका स्वास्थ्य ठीक है तो वो स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो जा भी सकते हैं, अपने चहेतु से मिल भी सकते हैं। ये इस प्रकार की कहीं उसके ऊपर ये लिखी हुई नहीं है कि वो इस मेडिकल के दौरान वो किसी से बातचीत नहीं कर सकते या अपने इंडियन नेशनल लोकदल के परिवार के सदस्यों से मिल नहीं सकते, दुख तकलीफ के बातें नहीं कर सकते, इस प्रकार का तो कहीं उनके ऊपर लिखा ही हुआ नहीं है। चलिए विजय जी, आपने हमें बाद में ज्वाइन किया है, मैं आपको जरा बाकी जो मेहमान है उनसे भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के नेता दीपिका शर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से घनेन्द्र जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक सुखबीर सिंह हुड्डा साहब भी हैं मेरे साथ। मैं यहां पर घनेन्द्र जी जो हैं कांग्रेस की तरफ से आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। विजय जी, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि जो चौटाला साहब को जो बेल मिली थी वो मेडिकल ग्राउंड पे इसलिए मिली थी कि कोर्ट में ये बताया गया था कि चौटाला साहब की तबीयत ठीक नहीं और चल नहीं सकते और उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस करा है बेड रेस्ट के लिए, इसलिए नहीं दी थी कि वो चुनाव प्रचार करे रैलियों में घूमे। पर जो आप कह रहे हो सीबीआई ने कुछ नहीं करा, ये कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्वयं संज्ञान लिया है और कोर्ट ने बोला है कि चौटाला साहब को पेश करो और आज चौटाला साहब पेश हुए और कोर्ट ने कहा है कि चौटाला साहब जिस ग्राउंड पे आपको बेल मिली थी उस ग्राउंड पे आप काम नहीं कर रहे, आप पॉलिटिकल काम कर रहे हो, इसलिए आपको बेल कैंसिल की जाती है और कल जाके तिहाड़ जेल में खड़े हो और अंदर जाओ। और चौटाला साहब कोई देश की आजादी के आंदोलन के लिए जेल नहीं जा रहे, चौटाला साहब ने गलत करा था
और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गलत करा था। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार में भागीदार थी। जितने दोषी चौटाला जी हैं उतने जो दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। और हरियाणा की जनता आपके शासन को देख चुकी है और हरियाणा की जनता ना किसी जेल जाने वाले को वोट दे रही है और ना जो भ्रष्टाचार में उनके भागीदार थे ना उनको वोट दे रही है। ठीक है गणित जवाब ले लेते, जवाब जवाब दे दीजिए विजय जी। मैं देवेंद्र जी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के 3206 बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। पैसे लेके अगर ये बेरोजगारों को रोजगार देने का अगर गुनाह आप मानते हो, अगर कांग्रेस का ये कल्चर है इस तरह के, नहीं ये मैं तथ्य, मैं ये ओम दी रिपोर्ट की बात कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोर्ट की जो भी जो उन्होंने डिसीजन जिसमें आया है उसमें कहीं ये प्रूव नहीं हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहीं पैसे का लेन देन हुआ या कहीं किसी प्रकार की। आप केवल तथ्यों के ऊपर आधारित बात करें तो आप बता आप, रहे राम आप शर्मा इस तरह की भाषा बोल रहे हैं मेरे को लग रहा है कि आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो चुका है क्योंकि पिछली 10 साल के दौरान जितनी कांग्रेस ने लूट खसोट मचाई है आज तक इतिहास में इतने बड़े घोटाले जितनी जातियां पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों और किसानों को ठगने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में ठीक है केवल रोहतक जिले में पूरे हरियाणा प्रदेश का बजट नहीं विजय जी सवाल मेरा ये है कि अगर कांग्रेस ने ये सब किया एक मिनट नहीं गए आप केथल नहीं गए जींद नहीं गए हिसार नहीं गए आप वहां की डेवलपमेंट भी तो देख के आइए। हुड्डा जी के प्रशासन में हुड्डा जी के शासन में 10 साल में हरियाणा का इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है हरियाणा के गांव की दशा सुधरी है हरियाणा के शहरों की दशा सुधरी है हरियाणा के किसानों की दशा सुधरी है। आज हरियाणा अगर नंबर वन है तो उसका क्रेडिट हमारी सरकार को जाता है और हरियाणा की बदहाली आप लोगों ने करी थी इसलिए हरियाणा की जनता ने 10 साल से आपको सत्ता से बाहर किया हुआ है। गणेंद्र जी बाकी गेस्ट को बोलने का मौका दे। विजय जी एक मिनट में आ रहा हूँ। विजय जी सवाल ये है कि आप लोग अभी से चश्मा पहना रहे हैं, मेरा सवाल ये था। आप लोग कह रहे हैं कि चौटाला साहब को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप कौन से कानून के तहत उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं? नया नया कानून पास हुआ है उसका कुछ तो असर होगा ना। एक मिनट में देवेंद्र जी की मैं देवेंद्र जी को एक बात बतानी चाहूंगा विकास के मामले में। देवेंद्र जी अगर देवेंद्र जी गलती से कभी रोहतक से भिवानी रोड पे आए हों तो जहां भिवानी रोहतक का क्राइटेरिया खत्म हो जाता है उसके तुरंत बाद भिवानी में जो खड्डे आज तक पड़े हैं ये मेरे कहने की बात नहीं, ये बाहर से कोई आता है तो ये महसूस करता है कि हम कहीं बाघा बॉर्डर पे तो नहीं आ गए, हम कहीं पाकिस्तान में तो नहीं निकल गए। इस प्रकार की जो दवेश की भावना सारे पहली बार हरियाणा के इतिहास में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। केवल उन्होंने मुख्यमंत्री नगर के सरपंच के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तो एक बात कहूंगा एक मिनट कांग्रेस मिली हुई है पहले कांग्रेस ने की वही जाति अब भाजपा कर रही है। गरण जी एक मिनट हुड्डा साहब बोल लेते हैं भाजपा को अपने उम्मीदवार तक दे दिए भाजपा के पास तो अपने उम्मीदवार भी नहीं थे चुनाव में। मेरा एक पिछले लोकसभा चुनाव में सारे कांग्रेस कैंडिडेट इनको उधार में दिए हैं। विजय जी मेरा एक सवाल आपसे मेरा एक सवाल है चलो वो साथ लगते लगते गणेंद्र जी वाली बात को आप लंबा ले रहे थे। मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल है कि चौटाला साहब ने जो पिछले चार पांच दिन के आपने जो चार पांच दिन के अंदर जो चौटाला साहब का प्रचार कराया मेरे को हटाने में यहाँ भिवानी के सुनिए तो आप सवाल सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए अविश्वास लाने में कांग्रेस सवाल सुन लीजिए सवाल पूछ रहे हैं। विजय जी मेरा एक आपसे सीधा सा सवाल है कि ओम प्रकाश चौटाला साहब ने जो तीन चार दिन के अंदर जो प्रचार किया है उसका अब आपको कितना लाभ मिलेगा और आपको आप अपने आप को कहां पाते हैं, सरकार के नजदीक पाते हैं या कहां पे पाते हैं आप? चले संपर्क हमारा यहां पर उनसे टूट गया, दोबारा फिर उनके पास चलेंगे सवाल आपका एक बार फिर से दोहराएंगे। लेकिन दीपिका जी इनेलो को क्या एक विकल्प की तरफ तरीके से देखा जा रहा है कि अगर इनेलो की परिस्थितियां इस तरीके की हैं हम ज्यादा अटैक ना करें और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो बाद में एक पावर बैकअप की तरह रखा जा सकता है?
सुमित, इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि भाजपा को यह पूर्ण रूप से यकीन है कि जिस प्रकार से भाजपा डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, विकास की राजनीति कर रही है, सबका साथ सबका विकास, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, उनकी रैलीज हो रही हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, भाजपा को पूरा यकीन है कि उसको किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने ही बलबूते पे वो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अभी अभी जुड़े हुए थे, वो खुद ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो इस तरीके की जो है परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है। जुड़ गए विजय जी वैसे मेरे साथ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं खतरा सबसे ज्यादा आईएनएलडी से ही है। नहीं नहीं, देखिए देखिए ऐसा है, केंद्र ने कौन सी, ये तो कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया इस बात का कि अगर ओपी चौटाला साहब को उन्होंने बेल दी मेडिकल ग्राउंड्स पे। सुमित आप मुझे बताओ, एक सीधा प्रश्न है कि एक एक इंसान को बेल मिलती है मेडिकल ग्राउंड्स पे, वो चल नहीं सकते, उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स और वो इंसान एक दिन में नौ रैलियां कर रहे हैं, नौ रैली और वो भी उनकी उम्र देखते हुए। देखिए कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, कोर्ट को बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैंने सबसे पहले कहा, जिस वक्त मैंने प्रोग्राम शुरू किया उसी वक्त कहा कि क्या कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर पूर्ण बहुमत की आप बात कर रही हैं, मैं उसे एग्री करता हूं, ठीक है, बीजेपी को या तमाम यहां पर पार्टी के जो नुमाइंदे बैठे हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत उन्हें मिलेगा। मेरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, वो परिस्थितियां आती हैं, तो क्या इनेलो की तरफ देखा जाएगा, क्योंकि इनेलो की तरफ से इशारे आ रहे हैं। सुमित देखिए, अगर मगर की बात तो एक बार इलेक्शन हो जाए और 19 को आपको भी रिजल्ट पता चल जाएगा, वो पोस्ट इलेक्शन जो बात होगी तो होगी। इस समय इस परिस्थिति के बाद में टिप्पणी देना भी प्री मेच्योर है और मैं समझती हूँ कि एक बार वोटिंग होने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद भाजपा को ये इस बात पूर्ण यकीन है कि हरियाणा की जो जनता है वो हुडा जी की करप्ट सरकार से, जो दामाद जी की सरकार मानी जाती है, और जो आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई है कि किस प्रकार से दो प्लॉट्स जो हैं उनका लैंड यूज चेंज किया गया और रॉबर्ट वडेरा जी के खिलाफ तो बहुत सारे सबूत निकल के आ रहे हैं। पहली बात बातों बातों से काम नहीं चलता, आरोप लगाने से। जो काम हुआ है वो कानूनी दायरे में हुआ है। आप लोग तो ऐसे हो, अगर उसमें कोई सच्चाई होती 6 महीने से आपकी सरकार है। सुमित जी, देखिए आप बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी को हो सकता है आईएनएलडी की जरूरत पड़े, लेकिन मैं आपके एक नोटिस पर लाना चाह रहा हूं कि जो हरियाणा में लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो कल और परसों की डेवलपमेंट हुई है, एक दो चैनल ने चला भी दी है कि जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला जी ने आईएनएलडी को ऊपर लेके आए हैं और कुलदीप बिश्नोई जी का जो डिफेक्शन में जीत के आए हैं, उससे कुलदीप बिश्नोई जी का भी हौसला बढ़ गया और इनसाइट बढ़ गया और अजय चौटाला साहब और कुलदीप बिश्नोई जी एक बार इकट्ठे चाय पी चुके हैं और अभय चौटाला जी और कुलदीप बिश्नोई जी सूप पी चुके हैं पिछले दो दिन में, दो एक चैनल चला चुके हैं इस न्यूज के। ये कंफर्म्ड न्यूज है कि आप मतलब एक बैकअप प्लान भी तैयार हो गया कि बीजेपी को कांग्रेस रोकना चाह रही है और बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को। जो थर्ड फ्रंट आने वाला है ना, देखिए कुलदीप बिश्नोई, मैं एक लाइन एड करूंगा कि कुलदीप बिश्नोई और ओम प्रकाश चौटाला साहब के दुश्मन दोनों कॉमन है। आप इस चीज को देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के फादर की राजनीति हत्या किसने की, कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उधर से अगर आप देखेंगे ओम प्रकाश चौटाला जी की पॉलिटिकल हत्या किसने की, वो कांग्रेस ने। और अब चौटाला साहब की स्टेज में आए हैं, कोई उनके पास मुकाम हासिल करने का था, अब ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने सीबीआई को एक्साइट किया। आई डोंट नो ये कितना सच है, लेकिन एक तीसरा फ्रंट खुल गया है। और मेरा विजय जी से सवाल था, विजय जी आप मुझे मैं मौका दूंगा आपको, एक मिनट, मैं विजय जी से सवाल यहां पर पूछना चाह रहा हूं। विजय जी बोलिए, आप जो आपको कहना है वो आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बार बार हमारा कनेक्शन जो है आपसे कट जाता है, आप जवाब मेरे सवाल का नहीं देते हैं, हमारे जो बाकी गेस्ट है उनका देते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अभी से चश्मा क्यों पहना रहे हैं, 3 बार दोहरा चुका हूं, आप अभी से चश्मा क्यों पहना रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला को आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन से कानून के तहत जेल में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे आप लोग? नया नया कानून है, कुछ तो ध्यान रखना नहीं, चाहिए। ये मैं ये कह रहा हूं, जब शपथ लेने का टाइम आएगा उससे पहले नहीं, कानून की हम कदर करते हैं, उनकी हम कानून को मानने वाले हैं, लेकिन कोर्ट ने बोला 2 साल से ज्यादा जिसकी कन्विक्शन होगी उसकी एमएलएशिप चली जाएगी। सुन तो ले मेरे ख्याल से सुन लेना चाहिए, सुनने हम बरी होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि कानून और भगवान पर हम भरोसा रखने वाले हैं, हम बीजेपी वालों और इनकी तरह नहीं है।
और मैं जिस प्रकार से शर्मा ने एक बात कही थी कि चोटाला जी नौ नौ जनसभाएं करते हैं इस उम्र में, उन्नीस तारीख को बड़ी अंदाजा लगा ले जब हमारे मुखिया सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन कर सकते हैं तो हम छोटे कार्यकर्ता कितना कार्य कर सकते हैं। आज बीजेपी कांग्रेस को ये सता रही है कि आने वाला समय भी नोलो का है, जनता की यही पुकार है और एक क्रांति आ चुकी है। विजय भाई जी ने आपसे सीधा सीधा सवाल ये करा है कि कौन से कानून के तहत चौटाला जी 19 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, कम से कम देश की जनता को बता दीजिए। आप भाजपा का समर्थन लेंगे सरकार? मैंने इसकी बात बड़ी ध्यान से सुनी है तो मेरे को भी ये बोलने का समय दे। बिल्कुल आप बोलिए, ये बोखला इसका परिचय न दे। चलिए बोलिए, धैर्य रखे। अब इनका आप जिस प्रकार से ये भाजपा के और कांग्रेस जिस प्रकार से बोखलाहट की परिभाषा दे रहे हैं ये साफ नजर आ रहा है जनता को। चलिए विजय जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या अगर आपको सरकार बनाने में कुछ एमएलए की जरूरत पड़ी क्या आप हजका का समर्थन लेंगे अगर हजका के पास कुछ एमएलए आते हैं तो? हाँ जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 25 की जो रैली के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तूफान उठा और बीजेपी के प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी जी ने पहली रैली करनाल में की, हमारा सवाल सीधा विजय जी दिखाई, कुर्सियां भी पीछे खाली पड़ी थी। उसके बाद इनकी एक मीटिंग हुई उससे ये पता चल गया कि भाई हमारी बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। उसके बाद इन्होंने सीबीआई के माध्यम से, या मेरे को एक बात बताओ, जब कोर्ट ने 17 तारीख तक के लिए हमें राहत दे रखी है तो सीबीआई की क्या जरूरत है? 17 तारीख को तो आदेश के अनुसार वैसे ही सिलेंडर करना था, उससे पहले सीबीआई को क्या जरूरत पड़ी कि वो इतनी जल्दबाजी में एप्लीकेशन लगा करके उनको अंदर करवाने का काम करे? ये केवल भाजपा की एक सोची समझी चाल थी और मोदी बौखला चुके हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा को बड़ा घमंड था कि हरियाणा प्रदेश में मोदी आएंगे तो एक लहर बनेगी, लेकिन उल्टा हो गया। मोदी आने के बाद भाजपा तो अब हरियाणा प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की 15-15 सीटें बड़ी मुश्किल से आएंगी। अब विजय जी का आपस में कंपटीशन है। विजय जी मिले हुए हैं कांग्रेस। विजय जी सवाल लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब दे दिया। विजय जी मेरा एक सवाल था आपसे, क्या आप सरकार बनाने के लिए हजका का समर्थन लेंगे? क्या कृपया प्लीज इसका जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं, क्या इनेलो अगर जरूरत पड़ी तो हजका का समर्थन लेंगे? का समर्थन तो लेने की बात ही नहीं, जब हमारी 70 सीटें आएंगी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अगर जरूरत पड़ती है तो दीपिका जी आने वाली 15 तारीख को आज हमारे मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो जेल में भेजा साजिश के तहत, इससे भारी। विजय जी सवाल सुन लीजिए, एक मिनट। विजय जी आपको चलिए, आपको कानून का ज्ञान है क्या? थोड़ा सा भी कानून का ज्ञान है आपको? टूट गया, चलिए नहीं, बटन से होगी, 15 तारीख को बटन दबा करके। विजय जी सुनिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपको क्या कानून का ज्ञान है क्या? आपको कानून का ज्ञान है क्या? नहीं दीपिका जी, अगर कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे हम तो सीधा सवाल उनसे कर लीजिए। माननीय ओपी चौटाला जी को चीफ मिनिस्टर घोषित कर रहे हैं, वो सवाल लोगों को ये बता रहे हैं, उनको क्या कानून का ज्ञान है? राष्ट्रीय टेलीविजन के ऊपर बोल रहे हैं कि चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं विजय जी से पूछना चाहती हूँ, उनको बेसिक मिनिमम कानून का ज्ञान है? उनको पता है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जेल में है? उनको पता है कि उनके साहब कल जेल में जा रहे हैं? उनको पता है कि ये भारत उजागर हो चुका है और करप्शन के प्रति इसकी जीरो टॉलरेंस है? विजय साहब, क्या आपको ग्राउंड रियलिटी पता है अब हरियाणा और भारत की के नहीं? क्या आप अभी भी यही सपने बुन रहे हैं? बात बताइए, भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए आपको कानून का ज्ञान है कि नहीं है? आपके चौटाला साहब, आपको न्यायपालिका का सम्मान है कि नहीं है? न्यायपालिका ने उनको कन्विक्ट किया है, इस देश की न्यायपालिका ने चौटाला साहब को और उनके बेटे को 10 साल के लिए कन्विक्ट किया है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, एक मिनट आप मेरी की बात सुनिए, आप मेरे को ये बताएं, आप भाजपा का मुख्यमंत्री का नाम बताएं, आपके जितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जिनकी जमानतें जब्त हैं, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, वीरेंद्र डुमरखा हो, रामविलास शर्मा हो, आज किसी की पोजीशन ये नहीं है कि अपनी जमानत बचा पाएंगे।
आपने हर स्टेट में ये घोषणा की थी, दिल्ली में आपने मुख्यमंत्री घोषणा की, राजस्थान में आपने मुख्यमंत्री घोषणा की, हर स्टेट में क्या आप हरियाणा में आप बताए ना आपका मुख्यमंत्री कौन है? मैं पूछ लेता हूँ सवाल, मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट दीपिका जी, मैं उठाता हूँ सवाल, एक मिनट ना कोई चेहरा है, ना इनके पास नीयत है, ना इनके पास आदमी है, इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, मोदी जी उसको पता नहीं कब तक कैश करते रहेंगे, और मोदी जी की भी हवा निकल चुकी है, ठीक है, अब ना मोदी मैजिक चल रहा है, मेरा सवाल ये है कि अगर इस वक्त देखा जाए इस वक्त प्रोजेक्ट किया गया था चौटाला साहब को, वो चेहरा नहीं है, और पहले भी नहीं था, भले ही प्रोजेक्ट किया गया हो, बीजेपी के पास भी चेहरा नहीं है, नजर नहीं आ रहा है, कम से कम इस वक्त तो नजर नहीं आ रहा है। हुड्डा साहब के साथ, हुड्डा साहब को भले ही यहां पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है? एटलीस्ट ये सिचुएशन बन रही है क्या? सुमित जी, अगर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब परिवर्तन हो रहा है, आपका एक सवाल मेरे से है, मैं आपको बता दूं, देखिए जहां तक सुमित जी, अगर आप कांग्रेस की जहां तक लेके आती है ना, देखिए उसको फायदा कहां तक, आप इस चीज से उसको फायदा किस चीज का होगा? सब लोगों को मालूम है कि मिस्टर हुड्डा दो टर्म से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो तीसरी टर्म को उनको चैलेंज करने वाला उनके पास कोई लीडर नहीं बचा है, उनको कोई एडवांटेज वाली बात नहीं है। देखिए जो सबसे मुश्किल सवाल वहां पे हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हरियाणा में उनके पास कोई प्रचारक नहीं रहा है, कोई स्टार प्रचारक नाम की चीज नहीं है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या उनका बेटा है, और जहां तक उसकी बात आती है फायदे की, अब फायदे को आप किस रूप में लेते हैं? जो पार्टियां इस वक्त दोनों हैं, इनेलो की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, दोनों का चेहरा जो है अब उभर कर सामने नहीं आ रहा किसी का भी। नहीं देखिए, आप बीजेपी ने भी इशारों में, अमित शाह क्या कहते हैं, बीजेपी ने इशारों में कैप्टन अभिमन्यु जी को या राजनाथ ओम प्रकाश धनखड़ जी का इशारों में नाम किया है, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन ने उसका खंडन करा था, लेकिन मैं उसका बता अनिल जैन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हरियाणा के, उन्होंने खंडन करा था। जहां तक अनिल जैन का सवाल है, उनका कद जहां तक राजनाथ जी और अमित शाह साहब के सामने कद है, अनिल जैन साहब ने खंडन को दूसरे रूप में किया कि डायरेक्ट नहीं, उन्होंने तो ये कहा था ये जिम्मेवारी ले सकते हैं, राजनाथ जी बोल के धनखड़ साहब ये जिम्मेवारी संभाल सकते हैं, इनको हम बहुत कुछ बना सकते हैं, इशारा घूम फिर के वहीं पे आ जाता है कि बीजेपी के पास भी सीएम कैंडिडेट की कमी नहीं है। अगर बीजेपी पावर में आती है तो नाम ले रहे हैं ना ये, वो आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं जीते, कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं जीते, नगर पालिका का चुनाव नहीं जीते, जिनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के नाम ले रहे हैं नरेंद्र जी, जब चुनौती आती है, जब चुनौती आती है, मोदी साहब हर चुनाव हारने का इनका रिकॉर्ड सुनामी आती है तो सुनामी में मोदी साहब की सुनामी थी, पता नहीं लगा कौन कहां से जीत गया। एक बहुत बढ़िया बात हुई है, एक तूफान की बात कर रहे हैं, सुनामी की बात कर रहे हैं, लहर की बात कर रहे हैं, दरअसल चुनाव नहीं हुआ, समुद्र के अंदर कोई स्केटिंग करने का मुद्दा हो गया। चलिए एक मिनट, एक मिनट, और जो उसकी हालत हरियाणा में और महाराष्ट्र में होने वाली है, और 19 तारीख को आप देखना आपके चैनल पे, किसी चैनल पे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नजर नहीं आएगा। इस बात से मैं भी और आपको मिठाई खिलाएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे, हुड्डा जी को खिलाएंगे, चैनलों में जाके आप भी बोल लीजिए, आखिरी कमेंट आखिरी कमेंट लेते हैं, विजय जी बोलिए, आपको भी खिलाएंगे, बोलिए छोटा सा कमेंट विजय जी बोलिए, बोलिए बोलिए, हरियाणा में हमारी सरकार बननी है, हम कॉन्फिडेंट है, लोगों का आएंगे हमारे साथ, ठीक है, ठीक है, भाजपा के भी नहीं आएंगे, जो बड़े बड़े सपने सजो करके हरियाणा प्रदेश में आए थे ना हाथ हिलाने के लिए मोदी जैसे हमारे, वो भी हरियाणा की जनता ने चलते करके बता दिए। मैं कहता हूँ आने वाली 15 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता में इतना गुस्सा है, वो एक चीज का इशारा है, बीजेपी के लिए गुस्सा है या फिर ओम प्रकाश चौटाला के लिए गुस्सा है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गुस्सा आखिर है किसके लिए? इनेलो के लिए है, बीजेपी के लिए है, या हुड्डा साहब के लिए है? सवाल ये है, और सवाल ये भी है कि क्या अब राजनीति हरियाणा की बदलेगी? वही सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या चौटाला का जेल जाना इनेलो पर भारी पड़ सकता है? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं, जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं, SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें, और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047
8555 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वही सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल कल आपसे पूछा था, क्या मोदी ब्रांड से राजनीतिक दल डर रहे हैं, इस सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं उसमें 78% का कहना है हां और 22% का नहीं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।